यदि आप ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर चुके हैं और टेट भी पास कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, यह वैकेंसी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर से प्रकाशित हुई है और इसका प्रकाशन की जो तिथि है वो 21 जून 2021 है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के विज्ञापन से संबंधित वीडियो लेकर आते रहता हूं, जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए देखते हैं इस विज्ञापन में क्या है। तो सबसे पहले तो यह जो विज्ञापन निकला है, ये संविदा के तौर पे आपको काम करने दिया जाएगा, यानी कि आपकी जो कार्य की अवधि होगी वो 11 माह 29 दिन होगा। और इस वैकेंसी के लिए जिसमें कि पूर्णकालिक शिक्षकों का ज़रूरत है, उसे महिलाएं ही भर सकती हैं और अंशकालिक पदों के लिए महिला पुरुष दोनों ही योग्य हैं। आवेदन 5 जुलाई 2021 तक शाम 5 बजे तक किया जाएगा, जिसमें से कि आपको नीचे दिए हुए फॉर्मेट में अपना सभी डिटेल भरकर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर में पंजीकृत डाक द्वारा भेजना होगा। तो देखिए रिक्त पदों की विवरणी यहाँ पे दिया हुआ है। गणित में टोटल 12 पद हैं, विज्ञान में 7 हैं, सामाजिक विज्ञान में 4 हैं, हिंदी संस्कृत में 1 और अंग्रेजी में 5, शारीरिक शिक्षा में 3, कला क्राफ्ट संगीत में 2, कंप्यूटर टीचर 14, मुख्य रसोईया 1, सहायक रसोईया 4, चौकीदार 2, चपरासी 5। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शिक्षकों के लिए स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ TET होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को BPED या CPED या फिर DPED आदि होना चाहिए। कंप्यूटर टीचर के लिए PGDCA, BCA इत्यादि होना चाहिए। अब आवश्यक नियम और शर्तों पर नज़र डालते हैं। तो देखिए इसमें आयु के बारे में बोला गया है, यानी कि इस पूरे चयन प्रक्रिया के लिए 1 अप्रैल 2021 तक उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में बहुत सारा क्रिटेरिया दिया हुआ है, जिसमें से कि आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक उपाधि, प्रशिक्षण आदि पर अंक है। और यदि आप पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, कार्य कर चुके हैं, तो आपको 2 अंक प्रतिवर्ष के लिए अतिरिक्त मिलेंगे। मार्किंग स्कीम देखिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आपको 10-10% मार्क्स मिलेंगे, स्नातक में 20% और प्रशिक्षण में 30% आदि। आवेदन को डाक से भेजते समय यह भी ध्यान रखें कि उसमें एक आप लिफाफा भर दें जिसमें कि आपका नाम, आपका पता होना चाहिए, जिसमें कि 25 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ होना चाहिए। तो यदि आपको इस वीडियो से लाभ हुआ तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।